सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुबह आई है, शाम भी आएगी, आज आया है कल भी आएगा, दुख आया है सुख भी आएगा, कुदरत की चिंता कुदरत पर ही छोड़ दे, हे मानव तू चाह कर भी बदल नहीं सकता इस दस्तूर को, फिर क्यों कल की फिक्र में आज को बदलने पर तुला है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। आज का पंचांग 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:19 से 5:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, आप पैसे को संभाल कर खर्च करें। सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात के काफी खर्च कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफी बड़ी रकम आज आपसे खर्च हो सकती है। आज विवादों और टकराव से बचना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद भी ले सकती हैं। अनुकूल समय है, अपनी क्षमता और योग्यताओं का भरपूर उपयोग करें। निश्चित है आपको उचित परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई अटका हुआ सरकारी काम आज बन सकता है। संतान की ओर से उत्तम समाचार भी प्राप्त होगी। दूसरों की अपेक्षाओं से अधिक आपको अपनी इच्छा पर ध्यान देना होगा। आपके प्रयत्नों की वजह से जीवन में बदलाव होगा लेकिन ये बदलाव आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। इस कारण लोगों पर बनी हुई निर्भरता दूर होगी। जिन लोगों के कारण जीवन में आप दबाव महसूस कर रहे हैं वह भी दूर होगी। पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप के लिए बदलते विचारों की वजह से शुरुआत में सुविधा होगी। सही पार्टनर का चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा। सेहत भी अच्छी रहेगी। सावधानियां, मन में कुछ नकारात्मकता आए तो कुछ समय प्रकृति के साथ व मेडिटेशन में व्यतीत करना आपको सुकून देगा। युवा वर्ग को अपनी करियर से संबंधित कार्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति पूर्ण माहौल रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होगी। प्रेम के मामलों में आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। आज के दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराएंगे। इनमें से सब अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने के लायक नहीं है। हालांकि उनमें से कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है जिसके साथ आप प्लेटोनिक लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपकी अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्था भी खोलें जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया से आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कारोबार में कोई खास डील होने की संभावना है। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को फिलहाल स्थगित ही रखें। कार्य क्षेत्र पर अपना ध्यान दें। कोई रुका हुआ आय का स्रोत भी पुनः शुरू होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी वर्ग की मदद से मनपसंद प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी महसूस हो सकती है। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वास्थ्य के बारे में इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश न होने की स्थिति में
जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और उसे दूर करना होगा। आज का उपाय, आज जब उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।